अचानक सपा प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक, राजनीति में मच गया भयंकर हाहाकार। जी हां, आपको बताया चले कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा सदस्य प्रत्याशी काजल निषाद की शुक्रवार को तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, दो दिनों से वहां उनका इलाज चल रहा है। रविवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। दरअसल आपको बताया चले कि गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, उन्हें लखनऊ के मेदांता में एडमिट किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश हो गई। काजल निषाद के पति संजय निषाद ने आस्था को बताया कि भीषण गर्मी और चढ़ते पारे के बीच चुनाव प्रचार करते समय काजल को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। उनके डिहाइड्रेशन और हाई बीपी का शिकार होने का अंदेशा जताते हुए उन्हें भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर की टीम उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस बीच काजल की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर अस्पताल में उन्हें देखने वालों की भीड़ बढ़ती चली गई। अस्पताल में आने जाने वाले नेताओं को काजल निषाद के पति संजय निषाद पत्नी का हाल बता रहे, लेकिन तबीयत खराब होने और दवा की वजह से काजल बिस्तर पर है और अधिकतर समय आराम कर रही है। फिलहाल काजल निषाद की हालत स्थिर है, डॉक्टर की टीम उन्हें आराम करने की सलाह दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।